दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है कुछ ब्रिटिश समकालीन समाचार पत्र थे उससे रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसके रेलवे ग्रुप डी और NTPC में भी आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल गजट जो समाचार पत्र था इसके बारे में। तो इससे सबसे पहले तो पूछा जाता है कि जो बंगाल गजट है इसके राइटर कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाता है JK की। इसके अलावा कई बार ये भी देखने को आया है कि ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा 1780 में ये बंगाल गजट जो पब्लिश हुई थी कलकत्ता से। नेक्स्ट सवाल और भी बता दूं आपको, बंगाल गजट दो है, एक तो बंगाल गजट जो कि JK हिक्की ने लिखा था, एक दूसरी बंगाल गजट है वो गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखा था। गंगाधर भट्टाचार्य, अगर दोनों ऑप्शन में से कोई एक मिलता है, जैसे गंगाधर मिलता है तो गंगाधर मारना है, अगर JK हिक्की मिलता है तो JK हिक्की मारना है। और गंगाधर ने जो बंगाल गजट पब्लिश किया था वो 1816 में लिखी गई थी, कलकत्ता से पब्लिश हुई थी। अगला जो बुक है वो आपको बता दूँ वो है सत्य प्रकाश जो था करसन दास मूल जी ने लिखा था, और ये 1852 में अहमदाबाद से पब्लिश हुई थी। अगला जो बुक है आपका वो है सोम प्रकाश के जो राइटर थे वो ईश्वरचंद विद्यासागर थे। मैं आपको कौन से बुक का डेट याद रखना है बस ये मैं बता दूंगा, सबके डेट याद नहीं रखने आपको, सबके सिर्फ राइटर और बुक के नाम याद रखें। सोम प्रकाश के जो समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला था आपका इंडियन मिरर का आपको बता दूं केशव चंद सेन जी थे। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, नेक्स्ट बुक है आपका इंडिया जो है 1980 में पब्लिश हुई थी, इसे दादा भाई नौरा जी ने लिखा था। उसके बाद आपका बुक आता है जो से पूछा जाता है इंडियन रिव्यू जो था वो GS नटेशन ने लिखी थी। इसके अलावा अगर हम इंडियन ओपिनियन की बात करें तो इंडियन ओपिनियन जो थे महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था। इसके अलावा युगांतर से भी क्वेश्चन आता है, युगांतर जो था 1906 में पब्लिश हुई थी, इसे भूपेंद्र दत्त ने लिखा था, एक क्रांतिकारी मैगजीन था जिसके वजह से क्रांतिकारियों के बीच देशभक्ति की भावना जगी थी और वो देश में मर मिटने के तैयार थे, ऐसे आर्टिकल था युगांतर। तो इसका आपको डेट भी ध्यान रखना है, 1906 में पब्लिश हुई थी भूपेंद्र दत्त। इसके अलावा अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम श्यामाजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में पब्लिश हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम गदर की बात करें, ये कई बार आ चुका है, गदर जो था लाला हरदयाल के नेतृत्व में पब्लिश हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट के द्वारा था, इसका डेट याद रखिएगा 1914 में मुंबई से पब्लिश हुई थी। अगर हम अगले अखबार की बात करें तो आपका आ जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया जो था श्री निवास शास्त्री जी ने पब्लिश किया था। आपकी अगली बुक है इंडिपेंडेंट जो था वो मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने पब्लिश किया था। ये 1919 में इलाहाबाद से पब्लिश हुई थी। अगर नवजीवन की बात करें तो इसका डेट भी ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1919 अहमदाबाद से महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं यंग इंडिया का भी डेट याद रखिएगा, 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन दोनों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, नेक्स्ट बुक है हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिकर। उसके बाद एक और बुक है महात्मा गांधी की हरिजन। महात्मा गांधी की तीन बुक है, तीनों इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, सॉरी तीन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया करते थे, हरिजन नवजीवन और यंग इंडिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैगजीन थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी और NTPC में आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।